हे गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो टॉप 5 रीज़न जिनके कारण हर एक इंडियन पेरेंट्स आपको इस बाइक को ख़रीदने से पहले मना करते हैं। तो आज का वीडियो हम इसी टॉपिक पर स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एम करता हूँ 1K सब्सक्राइबर इन 1 मंथ। गाइस, 3 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, तो मैं अपने बर्थडे से पहले अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर पाऊँ और अपने चैनल पे एक वीडियो मोटो ब्लॉग सेटअप रेडी कर पाऊँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। तो वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, पहला रीज़न होने वाला है कि KTM की बाइक है। अगर आपके पेरेंट्स आपको कोई बाइक दिलाते हैं तो वो भी उस बाइक के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं। तो KTM का नाम काफ़ी बदनाम है गाइस इंडियन फैमिली में, क्योंकि उन सभी को मालूम है कि ये कितने कैसे चलती है और क्या स्पीड पर चलती है, कितनी एग्रेसिव बाइक है। गाइस, इस बाइक को 70-80 पे चलाने में जो मज़ा है गाइस वो अलग है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसको 70-80 पे चलाने में, और आपको भी ये गाइस 100% मज़े देगी। लेकिन आपके इंडियन फैमिली के नज़रों से देखें गाइस तो ये बाइक मौत है, मौत। आपके पेरेंट्स की नज़रों से देखें तो ये एकदम अपने बेटे को मौत देने जैसा होता है, इसलिए गाइस वो आपको हमेशा इस बाइक को लेने से मना करते हैं। पहला रीज़न गाइस यही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीज़न पे। तो गाइस, दूसरा जो रीज़न होने वाला है वो इस बाइक का प्राइस पॉइंट। तो गाइस, जिस प्राइस पॉइंट पे में ये मिलती है उस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी दूसरी कंपनियां हैं जो हमें 250cc में बाइक प्रोवाइड करती है, और मैंने इस बाइक को हरिद्वार से परचेज़ किया है, तो मेरे को हरिद्वार और देहरादून दोनों का प्राइस पॉइंट का पूरा आइडिया है। मतलब मैंने लिया है तो मेरे को मालूम है गाइस, मैं देहरादून में रहता हूँ तो मेरे को देहरादून का भी मालूम है, हरिद्वार से मैंने इसको परचेज़ किया है तो हरिद्वार का भी मेरे को मालूम है गाइस। तो इसका जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस वो है देहरादून में 2.76 लाख। तो गाइस, हरिद्वार में भी सेम है 2.76 लाख। मैंने भी इसको दीपावली से पहले जो धनतेरस होता है उसमें परचेज़ किया था अपने पापा के पैसों से। तो गाइस, इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और हम कंपेयर करें कोई दूसरी बाइक से 250cc में, तो गाइस इसके और उसके बीच का डिफरेंस लगभग लगभग 50,000 का है। मतलब 50,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है इस ड्यूक 250 के लिए। तो गाइस, ये भी एक रीज़न है कि आपके पेरेंट्स इस बाइक को लेने से मना कर देते हैं। हे गाइस, तो तीसरा जो रीज़न होने वाला है वो है इस बाइक की मेंटेनेंस। गाइस, मैंने इस बाइक को दीपावली से एक दिन पहले में धनतेरस में परचेज़ किया था, और आज डेट है गाइस 29 और 22 को शायद धनतेरस था, तो मैंने उस दिन इसको परचेज़ किया, और मैंने तब से लेकर अभी तक गाइस इस बाइक में 1500 का पेट्रोल भर दिया है, और भाई ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे को लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा तेल पीती है, और इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है तो शायद इसलिए भी इतना ज़्यादा तेल पी रही है। तो लेकिन इसको मैंने 300 किलोमीटर चला दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि इसको मैंने कितना चला दिया है। तो गाइस, ये रही अपनी ड्यूक 250, तो आपको मैं इस पर दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैंने इसको 319 किलोमीटर राइड कर लिया है इस पर, और इस पर जो फ्यूल बचा हुआ है वो एक डंडी बचा हुआ है। तो गाइस, मैंने इस पर 7 दिन में 1500 का फ्यूलअप कर दिया है, और इसको मैंने 319 किलोमीटर राइड कर लिया है, और इस पर एक डंडी फ्यूल बचा हुआ है। तो गाइस, आप चेक कर सकते हैं इसका माइलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो हो सकता है मैंने इस पर अभी फर्स्ट सर्विस नहीं की है तो इसलिए अभी ये इतना ज़्यादा फ्यूल ले रही है। हो सकता है फर्स्ट या सेकेंड थर्ड सर्विस के बाद ये थोड़ा सा इसका माइलेज बढ़े। तो गाइस, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसको अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो गाइस, अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ रीज़न पे। गाइस, फोर्थ रीज़न होने वाला है वो आपकी एज है। गाइस, आप मानो या ना मानो, ये बाइक यंग ऑडियंस को देखते हुए बनाई गई है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जिसका लुक्स है गाइस वो 18 से लेकर 25 तक की जो यंग ऑडियंस है उन पर एक बहुत ज़्यादा सूट करती है। लेकिन गाइस, जो आपकी फैमिली होती है वो आपका फ्यूचर देखते हुए गाइस आपके लिए बाइक खरीदती है, तो वो आपको बोलती है कि अभी तो ये ठीक है लेकिन 10 साल बाद इसको राइड नहीं कर पाएगा। और ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में गाइस यही होता है कि वो आपको अभी का तो देखते ही देखते हैं लेकिन आपका फ्यूचर का भी देखते हैं। मेरी फैमिली ने भी मेरे को बोला था कि तू बुलेट ले ले गाइस, क्योंकि बुलेट एक ऐसी बाइक है गाइस जो 18 साल 25 साल 30 से उससे भी ऊपर की जो ऑडियंस होती है सब पे सूट करती है गाइस। लेकिन जो ड्यूक है वो आप चला तो लोगे 30 के बाद भी, पर लेकिन ये उतनी ज़्यादा उस पर सूट नहीं करती है गाइस। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा सा आपको रिग्रेट फील होने लगता है। और अगर गाइस आप चाहते हैं कि मेरे को रिग्रेट फील कभी ना हो, तो आप मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मेरे को 5 साल बाद कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने ड्यूक ली, काश मैं उस दिन बुलेट ले लेता। तो गाइस, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं गाइस अपने फिफ्थ पॉइंट पे। हे गाइस,
फिफ्थ रीज़न होने वाला है वो गैस आपके रिलेटिव है। गैस अगर आप कभी फ्यूचर में इस बाइक को परचेस करते हो या परचेस करने के बारे में सोचते हो तो गैस कभी भी आप अपने रिलेटिव से कोई रिकमेंडेशन ना ले, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि गैस आपको हमेशा इस बाइक में मना करेंगे और हो सकता है आपको कुछ चार बातें फालतू की सुना दे, तो इससे हो सकता है आप डीमोटिवेट भी हो जाएँ और आपके फैमिली वालों को वो ज़रूर डीमोटिवेट करेंगे गैस। तो अगर आप कभी इस बाइक को लो तो गैस कभी भी अपने रिलेटिव से कोई रिकमेंडेशन मत लो, अगर आपको ये लेनी है तो गैस ले लो, नहीं लेना है गैस तो आप कोई दूसरी बाइक देख सकते हैं। लेकिन ये एक मेन रीज़न है गैस कि आप कभी भी कोई रिलेटिव से कोई रिकमेंडेशन ना लें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जिसलिए मैंने इसमें को भी वीडियो में डाल दिया। अगर गैस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं गैस, थैंक यू। होप करते हैं गैस आपको मेरा वीडियो पसंद आए। Oh, 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 oh